नॉर्वोटेक्स ले, क्लोमिड ले के एससीजी ले, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में हर उस एथलीट के जब वो अपने आप को एक एनाबॉलिक स्टैग से उतारता है और पीसीटी प्लान करने की सोचता है। सो गाइस, जब के एक एथलीट एनाबॉलिक स्टैग्स यूज कर रहा होता है तो कई पॉजिटिव चेंजेस बॉडी में आते हैं। फॉर वन, उसके मसल्स के बीच में जो मसल सेल्स होते हैं उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। वो कैसे? बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस टेस्टोस्टेरोन कराता है और नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन बींग के बीच में उसकी रेशियो वेरी करती है 300 to 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर डिपेंडिंग। एंड जब वो स्टैक्स यूज करता है तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाता है। तो एट सेलुलर लेवल ऑल्सो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन गाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को मसल सेल्स के बीच में, जब इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन 3-4 times बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो रहा है उसकी वजह से प्रोटीन को सिंथेसिस मतलब सेल्स को भी कहा जाता है कि आप ओवर टाइम फंक्शन करो, एंड ओवर फंक्शन की वजह से मोर एंड मोर मसल टिश्यूज की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, मसल फाइबर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, एक परफॉर्मेंस और कैसे इनको हम परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स भी कहते हैं, इनसे स्टेमिना बढ़ता है। वो कैसे? बिकॉज ब्लड सेरम के बीच में हमारे RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। RBCs का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड के बीच में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन को लंग से लेके डिफरेंट मसल फाइबर्स तक पहुंचाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजनेटेड रखें। सो गाइस, जब ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है मसल को तो वो थकेगा नहीं। थकना तो तभी होता है ना, इंसान तभी थकता है जब ऑक्सीजन की डेप्थ होती है, ऑक्सीजन गिरना शुरू होता है। तो मोर एंड मोर मसल इज बीइंग ऑक्सीजनेटेड, तो उसका स्टेमिना, उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है। थर्डली, जो हमारे मसल्स के बीच में सेल्स होते हैं उनके बीच में रफली 20% नाइट्रोजन होता है, एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो द बेस फॉर अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स एज वेल। तो जब एक इंसान टेस्टोस्टेरोन को इनकॉर्पोरेट कर रहा होता है बॉडी में तो नाइट्रोजन रिटेंशन मसल सेल्स में बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से जो मसल का ओवरऑल साइज एंड वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। फोर्थली, जब भी एक इंसान स्टैक्स यूज करता है, अब जैसे आपको मैंने तीन फिनोमिनल्स बताए, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, देन स्टेमिना इंक्रीजिंग, एंड देन नाइट्रोजन रिटेंशन। अब ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मसल्स को ताकत एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होता है। ये कहाँ से ट्रैक करता है? जो भी हमारी बॉडी में लूज कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स पड़ी होती हैं जो कि फैट में इवेंचुअली मेटाबोलाइज होनी थी, ये उनको खींच के अपने ऊर्जा, अपने फ्यूल के लिए यूज़ करना शुरू कर देता है। तो जब जब कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में से जो लूज हैं वो सेल्फ ड्राइव करना शुरू कर देते हैं तो इंसान का जो फैट लेवल्स है वो नीचे आने शुरू हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, वो और उसकी बॉडी टोन अप होनी शुरू हो जाती है। एंड लास्टली, ब्रेन के ऊपर भी जब इतनी पॉजिटिव चेंजेस बॉडी में हो रही हैं तो साथ के साथ ही एक हार्मोन होता है, इसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, डोपामाइन, उनकी सिक्रेशन शुरू हो जाती है। उससे आप एथलीट टेंड्स टू बी इन अ हैप्पी मोड, वो यू कैन से इज इन जॉली मोड, इन अदर वर्ड्स। तो गाइस, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जब भी इन स्टैक से एक इंसान अपने आप को ऑफ करता है या कि जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन की इनकॉर्पोरेशन बॉडी में एब्रप्टली गिरती है, उसकी वजह से जो ऊपर के पांच आपको मैंने फिनोमिनल्स बताए उल्टे होने शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे, स्टेमिना गिरना शुरू हो जाता है, मसल का साइज गिरना शुरू हो जाएगा, फैट लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड लास्टली ब्रेन के लेवल के ऊपर भी अ पर्सन स्टार्ट फीलिंग इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, कई बार तो एक्सट्रीम केसेस में कई बार देखा गया है कुछ एटलीस्ट में सुसाइडल टेंडेंसीज भी आई हैं। तो जब ब्रेन के लेवल पे इतने ज़्यादा डिप्रेशन चल रहे होते हैं, साथ के साथ ही एक और माल फंक्शन बॉडी करती है जब उसमें कॉर्टिसोल्स की प्रोडक्शन शुरू कर देगी इन सच अ डिप्रेस्ड स्टेट, और कॉर्टिसोल इज अ डिस्ट्रक्टिव हार्मोन एज फार एज मसल टिश्यूज आर कंसर्न, मसल सेल्स आर कंसर्न, ये उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो हमारी आइडियल पीसीटी की अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को वापस लेके आएं, ताकि जो जो गेन्स एक एथलीट ने हासिल किए थे एक स्टैक में, एक साइकिल में, उनको वो रिटेन कर पाए, उनको वो बरकरार कर पाए, पर हो सके कोशिश करें तो थोड़ा और गेन भी ले लें एक गुड पीसीटी साइकिल में। सो मैं डॉक्टर ग्रीन, डॉक्टर फ्लेक्स चैनल की तरफ से आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा व्हाट शुड बी एन आइडियल पीसीटी साइकिल। हाय
हाय गाइस, मैं डॉक्टर गुनीत डॉक्टर फ्लेक्स चैनल की तरफ से आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से कंपाउंड्स हम यूज़ कर सकते हैं जिनकी जिनसे हम फटाफट अपनी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है उसको वापस लेके आ सकें। सो गाइस, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वापस लाने से पहले हमें कौन से कंपाउंड यूज़ करने हैं, इससे पहले आई लाइक यू गाइस टू नो कि नेचुरली हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कैसे होती है। सो उसको समझने के लिए आपको HPT एक्सेस समझना ज़रूरी है। Which is HPT axis? That is hypothalamus, pituitary, testicles axis. So guys, hypothalamus is a gland जो हमारे ब्रेन के नीचे पड़ा होता है, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज ये कई सब ग्लैंड को डायरेक्शन देता है उनके परफॉर्मेंस के लिए। पर हम क्योंकि इस वीडियो में हम सेक्स हार्मोन्स की बात करें, टेस्टोस्टेरोन की बात करें, तो हम इसका लिंक पिट्यूटरी के साथ जो है हम उसी को समझेंगे। तो गाइज, पहले आता है hypothalamus, hypothalamus से नीचे आता है pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड इज समवेयर हमारी जो नोज़ है, नोज़ के एग्जैक्टली पीछे स्कल में, वहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या होता है, ये दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड अदर इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये LH एंड FSH ये जाते हैं टेस्टिकल्स में नीचे, वहाँ जाके ये टेस्टिकल्स को हम एक फैक्ट्री भी कह सकते हैं जहाँ पे स्पर्म्स की एंड टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। सो गाइज, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी पे सिग्नल्स जाते हैं कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है। पिट्यूटरी ग्लैंड LH एंड FSH प्रोड्यूस करता है जो नीचे भेजे जाते हैं टेस्टिकल्स में, और वहाँ पे जाके स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन बनने शुरू हो जाते हैं। सो गाइज, ये पूरा HPT एक्सेस है ना, ये नेगेटिव फीडबैक पे चलता है। एंड वॉट इज नेगेटिव फीडबैक? जब भी ब्लड सीरम के बीच में टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की डिपेंड करता है उसकी नॉर्मल रेशियोज क्या हैं वो अचीव हो जाती हैं, तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाती हैं थ्रू ब्लड सीरम के वी डोंट नीड मोर टेस्टोस्टेरोन, तो आप टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को रोक दो। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल्स भेजता है कि LH एंड FSH प्रोड्यूस ना करो, और सिमिलरली नीचे जाके टेस्टिकल्स में नए टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन रुक जाती है। जब अगेन इट स्टार्ट्स, जब अगेन ब्लड के बीच में उनके लेवल्स फॉल करते हैं, दिस इज हाउ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एवरी डे। तो गाइस, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एक जब इंसान एक एथलीट स्टैट्स यूज कर रहा होता है, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो ब्लड सीरम के बीच में टेस्टोस्टेरोन की नेचुरल को छोड़ो 3-4 गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सर्कुलेट हो रहा होता है ब्लड में। तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल को ये सिग्नल्स जाते हैं कि ब्लड सीरम के बीच में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन की इतनी ज्यादा मात्रा चल रही होती है, उसको ये सिग्नल जाते हैं कि यू नीड नॉट डू योर वर्क। हाइपोथैलेमस आगे पिट्यूटरी को सिग्नल्स नहीं भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो नीचे LH एंड FSH प्रोड्यूस नहीं करेगा जो कि टेस्टिकल्स में जाके टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा आइडियल पीसीटी साइकिल होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हमें नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की जो है रिकवरी, इस HPT एक्सेस को हम दोबारा रीइग्नाइट कर दें, इस फैक्ट्री को दोबारा ऑन कर दें, ताकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में दोबारा बनना शुरू हो जाए, एथलीट पे बनना शुरू हो जाए, ताकि जो जो उसने गेंस हासिल किए थे एक अपने साइकिल में, एक स्टैक में, एक गियर में, वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रह सके, और हो सके तो इतना अच्छा साइकिल हम परफॉर्म करें PCT के बीच में ताकि हल्के से हम गेंस भी हासिल कर लें इस साइकिल के बीच में। सो इसके चलते हुए गाइस, देर आर 3 कंपाउंड्स मेनली जिसके अराउंड हमारी PCT घूमती है। ऑब्वियसली सम एडिशनल सब्सटेंसेस आर आल्सो बीइंग आल्सो यूज्ड, तो आई विल कम लेटर। सो गाइस, फर्स्ट कंपाउंड इज SERMs, जिनको हम सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स भी कहते हैं। दे आर मेनली नॉर्वोटेक्स एंड क्लोवेट्स, इनके ड्यूल एक्शन होते हैं, एंड जैसे कि वर्ड ही सिलेक्टिव है, तो यानी कि इनके लिमिटेड एक्शन होंगे बॉडी में, ना कि पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। तो इनका पहला एक्शन होता है जाके चेस्ट के बीच में सेल्स में। कई एथलीट्स, कई मेल जो एथलीट्स होते हैं जो स्टैक्स यूज करते हैं, उनको गायनिक इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, उसके बीच में जो उनकी चेस्ट होती है वो ब्रेस्ट की शेप एक्वायर करना शुरू कर देती है। वो क्यों होता है? बिकॉज इंक्रीज एस्ट्रोजन जो होता है वो एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज इंक्रीज करके सेल की सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ाता है, यानी सेल्स की मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर देता है चेस्ट में जाके, एंड दैट इज वाई द गायनिक इशू कम्स ओवर। एंड अब इन सर्म्स का क्या रोल होता है, ये चेस्ट में जाके जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, उनको एस्ट्रोजन को रिसेप्शन को रोक देता है, या कह लो उनके ऊपर हेलमेट बन के बैठ जाएगा, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स वो एक्टिव नहीं हो पाते, तो नए सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए गायनिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
और फॉर दिस रीजन ओनली ये जो सर्म्स हैं ये फीमेल्स में भी यूज किए जाते हैं, खुदा ना खास्ता किसी फीमेल को जब कोई ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो दीज टू ड्रग्स नोवोटेक्स परमिट्स आर मेनली यूज्ड बिकॉज ये फर्दर टिश्यूज की ग्रोथ को रोक देता है. सो दैट इज अनदर टॉपिक आई विल डिस्कस सम इन माय सम अदर वीडियो. एंड जैसे मैंने बताया सर्म्स के दो एक्शन, एक तो चेस्ट के ऊपर हो गया, सेकंड इज ये जाता है सीधा एचपीटी एक्सेस के अंदर हाइपोथैलेमस में. हाइपोथैलेमस के डोर के ऊपर अगेन जाके ये स्टॉपर लगा देगा, रोक देगा. तो हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल जाएंगे कि ब्लड सीरम के में ना एस्ट्रोजन है ना टेस्टोस्टेरोन है, तो वो फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू टेस्टिकल्स के अंदर LHN FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फर्कस मिनरल हार्मोन को भेज देगा और उनको सिग्नल देगा टेस्टिस को कि दोबारा आप अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दो. और टेस्टिकल्स भी जो पहले श्रंक हो गई थी बिकॉज ऑफ सच ए प्रोलॉन्ग्ड यू कैन से इनएक्टिविटी, वो दोबारा अपना साइज अटेन करना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ दिस सर्म्स. सो सेकेंड इज द लाइन इज गाइस HCG, इसको हम ह्यूमन क्रोनियो गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं. सो ये अलग अलग डोजेज में आती हैं, 1000 IU में, 2000 IU में, 5000 IU में. IU इज इंटरनेशनल यूनिट्स. नाउ व्हाट इज HCG गाइस? HCG जो होते हैं, अगर हम यूजली देखें कि फीमेल्स में जो प्रेग्नेंट होती हैं, सो इन थर्ड वीक और फोर्थ वीक ये उनके यूरिन में एंड उनके ब्लड में इसकी भरपूर मात्रा होनी शुरू होती है HCG की. लेटर ऑन साइंटिस्ट ऑल्सो डिस्कवर्ड कि जो इसका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है दे आर एग्जैक्टली लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन सा है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता हुआ LHN FSH टेस्टिकल्स में जाता है, ये उसका हम शक्ल होता है. तो जब भी एक एथलीट जो PCT साइकिल ले रहा है, जब इसको आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट करेगा, तो ये मिमिक कर लेता है LH का रोल. ये LH का बिल्कुल सिमिलर है, उसका हम शक्ल है. ये स्ट्रेट वे जाके टेस्टिकल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की एंड एस्ट्रोजन की टेस्टोस्टेरोन की एंड स्पर्म्स की प्रोडक्शन को इनिशिएट कर देता है. पर इसके साथ एक कैच भी है, दैट व्हाट इज दैट, ये टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन तो शुरू करता ही है, साथ के साथ ही आर्मोटेज एक एंजाइम होती है, उसकी प्रोडक्शन भी शुरू कर देता है. व्हाट इज आर्मोटेज एंजाइम्स? आर्मोटेज एंजाइम्स आर द वन विच जो रिस्पॉन्सिबल जो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं एस्ट्रोजेंस में. यानी कि एक तरफ तो हमने HCG की शॉट दे के टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन शुरू की है टेस्टिकल्स में, एट द सेम टाइम एक एंजाइम भी वो ज्यादा प्रोड्यूस कर देता है जो टेस्टोस्टेरोन नया बन भी रहा है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द थर्ड कंपाउंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन द PCT, दैट इज AI, आर्मोटेज इनहिबिटर्स. सो गाइस, जहाँ हम सर्म्स यूज कर रहे थे, HCG यूज कर रहे थे हम टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, एट द सेम टाइम HCG की वजह से आर्मोटेज एंजाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मोटेज एक एंजाइम ऐसी एंजाइम होती है जो टेस्टोस्टेरोन जो बन रहा होता है उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है. सो हमें इसकी वजह से हमें आर्मोटेज इनहिबिटर्स यूज करने पड़ते हैं. ये कमर्शली आर्मिडेक्स के नाम से मिलता है, एनिस्टाजोल के नाम से मिलता है, आर्मिसिल्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं. तो जहाँ हमें सर्म्स की ज़रूरत है, जहाँ हमें HCG की ज़रूरत है, हमें इक्वली आर्मिटेज इनहिबिटर्स की ज़रूरत होती है. बिकॉज सर्म्स एंड जो आपके HCG हैं वो तो आपके टेस्टिकल्स के अंदर जाके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को एनहांस कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स भिजवा रहे हैं, बट द सेम टाइम्स आर्मिटेज एंजाइम की एक्टिविटी भी ये लोग तेज कर देते हैं. इसलिए हमें आर्मिटेज इनहिबिटर्स डालने साइकिल में भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने हमने सर्म्स एंड HCG डाले हैं. तो इन तीनों को हम में से किसी एक कंपाउंड को भी माइनस कर देंगे तो हमारा आइडियल PCT साइकिल कभी भी नहीं बन पाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा. फर्दर गाइस, कुछ नेचुरल चीज़ें भी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे कि गौक्षुरा हो गया, एंड टेर प्लेसेस के अंदर भी गौक्षुरा होता है, दैट इज इन हर्ब, वो भी यूज़ की जाती है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए. देन दिस विटामिन डी भी देखा गया, दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द यू कैन से पिट्यूटरी ग्लैंड और द HPT एक्सेस टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन. एंड थर्डली ZMAs ऑल्सो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, बल्कि ये जो फ्री टेस्टोस्टेरोन की सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करते हैं, जो कुछ लोगों को कई बार सेक्शुअल इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होते हैं, ये उस चीज़ को भी नलीफाई कर देता है अगर हम इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करें. सो कभी गाइस, हैविंग सेड दैट, जो PCT के सोर्स मैंने बताए हैं,
अगर हम यूजली पीसीटीज ना भी करें, स्टिल हमारी बॉडी कई बार नेचुरली रिकवर कर लेती है, तो इट टेक्स लाइक 1 week टू 4 week, 5 week, 6 week नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वापस बॉडी के अंदर उनकी जो HPT एक्सेस दोबारा अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। पर ये जो जो टाइम बीच में निकलता है, दैट टाइम इज वेरी डिस्ट्रक्टिव एज फार एज जो अपने गेंस हासिल किए होते हैं उनको मेनटेन करने के लिए। तो हमारी कोशिश एज एन एक्टिव आई कैन से फॉर डिजाइनिंग ए गुड PCT ये होना चाहिए ताकि हम जितनी जल्दी हो सके अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की मूवमेंट को बॉडी के अंदर वापस लेके आए। नेक्स्ट इज के हम PCT साइकिल कब शुरू कर सकते हैं। सो गाइस ये भी डिपेंड करता है कि एक एथलीट ने कौन कौन से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ किए थे, कौन कौन से स्टैक्स यूज़ किए थे। उनके एक्चुअली जो एनाबॉलिक्स होते हैं, जो इंजेक्टेबल्स हो गए दूसरी फॉर्म में, इनके साथ एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स गवर्न करते हैं कि बॉडी के अंदर उस ड्रग की अवेलेबिलिटी या उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। तो उन एस्टर्स को देख के डिसाइड किया जाता है कि हम एक PCT साइकिल कब शुरू कर सकते हैं। आइडियली अगर बहुत हैवी एस्टर्स यूज़ किए तो मे बी आफ्टर 7 to 10 days, और अगर माइल्ड एस्टर्स या फिर माइल्ड एनाबॉलिक्स यूज़ किए तो 3rd-4th day भी शुरू कर सकते हैं। सेकेंड इज गाइस सर्म्स की मैंने बात की थी, उसमें नॉर्वोडेक्सिन क्लोमिडोग्राम दोनों को साथ साथ लेने की ज़रूरत नहीं। ये भी कई एथलीट्स गलती कर देते हैं। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम होता है। क्लोमिड तब यूज़ किया जाता है जबकि किसी एथलीट ने बहुत ज़्यादा एडवांस्ड एनाबॉलिक साइकिल्स एंड एडवांस्ड स्टैक्स लिए हों, जिसमें कई उसने हैवी या हार्शर एनाबॉलिक्स यूज़ किए हों, ओनली देन क्लोमिड की यूज़ पड़ेगा। बिकॉज क्लोमिड के भी अपने इन जो PCT आपको मैंने सब्सटेंसेस बताए हैं, इनके अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि क्लोमिड के जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ये लाइक आई साइट्स को वीक करता है, डिजीनेस, नोजिया की, कई बार एक्ने होनी शुरू हो जाती है। सो प्रेफरेबली अगर आपने लाइट एनाबॉलिक साइकिल किया हुआ है और ये मॉडरेट किया है, तो माय सजेशन वुड बी गो फॉर टेमोक्सिफेंस, और जिनको नॉर्वोडेक्स कहते हैं, बिकॉज इसकी पोटेंसी कम रहती है 20 mg की डोज में। पर इसका अगर हम असर की बात करें तो क्लोमिड के बराबर असर कर देता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी एज कम्पेयर टू क्लोमिड बहुत कम रहते हैं। देन कम्स SCGs। SCGs गाइस अगेन डिपेंड करता है कि अगर किसी एथलीट ने बहुत ज़्यादा हैवी साइकिल किया हुआ है, तो मे बी रिकमेंडेड डोज वुड बी कि हर ऑल्टरनेट डे वो फॉर फर्स्ट 1 or 2 weeks वो 2000 IU ले ले, सब्सिक्वेंट वीक्स के बीच में वो 1500 IU रख सकता है या 2000 IU रख सकता है, एंड 4 to 6 weeks का साइकिल मेंटेन कर सकता है। तो उसकी डोज ऐसे ऐसे वो टेपर डाउन कर सकता है। एंड जहाँ तक बात रही हमारे इसकी एरोमेटिक्स इनहिबिटर्स की, तो ये अगर आर्मिटेक्स आप यूज़ करते हो तो दैट विल बी लाइक 1 tablet एवरी अदर डे यू कैन यूज़, और अगर आमिसिन यूज़ करो तो 25 mg डेली इज ऑल्सो अ गुड डोज टू स्टार्ट विद। सो अगेन गाइस PCT के साइकिल्स भी डिज़ाइन किए जाते हैं, डिपेंड करेगा कि एक इंसान ने कितना लंबा साइकिल यूज़ किया है, मे बी 8 weeks, 12 weeks, 16 weeks, 20 weeks, और उसने उस साइकिल के बीच में कौन कौन से एनाबॉलिक्स यूज़ किए थे, तो उसके हिसाब से इन डोजेस को आगे पीछे किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक आइडियल PCT साइकिल और एक एडवांस एथलीट के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी अगेन गाइस कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सो एक PCT साइकिल इज नॉट टेलर मेड फॉर एवरीवन, हर एक के लिए अलग साइकिल डिज़ाइन किए जाते हैं। सो गाइस आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। सो आई कीप ऑन ट्राइंग टू ब्रिंग सम स्टफ टू यू गाइस इन माय एवरी वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी डॉक्टर गुनीत डॉक्टर फ्लेक्स की चैनल की तरफ से धन्यवाद।